हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज स्वाति देशपांडे टीचर। आज हम लोग फिफ्थ स्टैंडर्ड का जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का मैथ्स का बुक है उसमें चैप्टर नंबर 2 है, नंबर 1, उसमें प्रॉब्लम सेट नंबर 5 है, वो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इधर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या लर्न करने वाले हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेस वैल्यू। ओके, सो मेरा एक वीडियो है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू पे, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वो जरूर जरूर देख लेना। ओके, क्योंकि आपको इजी पड़ेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स। मैंने सब लिखे है इधर पास्ट सम्स, तो चालू करते हैं। ये इधर अंडरलाइन है, तो पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है कि ये जो 7 है उसकी प्लेस क्या है। अगर प्लेस मालूम पड़ेगी तब प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है, इजी, राइट। तो पहले प्लेस फाइंड आउट करते हैं। यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लैक्स, और ये है 10 लैक्स। सो 7 इज इन 10 लैक्स पोजिशन, उसकी प्लेस है 10 लैक्स। सो कैसे लिखना है प्लेस वैल्यू, 7, 10 लैक्स मतलब 70 लैक्स, 70 लैक्स इज द प्लेस वैल्यू। इजी वे बताओ, इजी वे क्या है, 7 लिखो और उसके बाद जितने डिजिट्स है, कितने डिजिट्स है, 1, कौन से भी हो, वो डिजिट इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने हैं डिजिट्स, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 है तो 6 जीरोस दे दो, हो गया प्लेस वैल्यू तैयार, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 4 है वो है लैक्स पोजीशन पे, सो उसकी प्लेस वैल्यू रहेगी 4 लैक्स। सेम वे सी 4 लिखा, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट्स है तो 5 जीरोस दे दिए, हो गई प्लेस वैल्यू तैयार। ये भी, ये किधर है, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 10,000 पोजीशन पे 5 है तो उसकी वैल्यू है 5 10,000, दैट इज 50,000। 5 लिखो, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 4 जीरोस। नेक्स्ट वन इज 0, 0 की प्लेस वैल्यू किधर भी हो 0 ही रहती है। ये 9, ये है अगेन 10,000 पोजीशन पे और प्लेस पे, तो उसकी वैल्यू है 90,000। 9 लिखो, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 4 जीरोस, हो गई प्लेस वैल्यू तैयार, है कि नहीं इजी। ओके, चलो बच्चे लोग क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स रीड क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर्स इन देयर एक्सपांडेड फॉर्म। स्टूडेंट्स एक्सपांडेड फॉर्म मतलब क्या, एक्सपांडेड फॉर्म मींस जो नंबर दिया हुआ है उसके हर डिजिट की प्लेस वैल्यू को ऐड करना एक साथ। मैं बताती हूँ, सी ये नंबर दिया है राइट, तो 5 इज इन 10 लैक्स पोजीशन, सो उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स है तो उसकी प्लेस वैल्यू 5 and 6 जीरोस, कॉमा देना जरूरी है। ओके, प्लस 6 इज इन लैक्स पोजीशन, सो इट इज 6 लैक्स, प्लस ये 10,000 पोजीशन पे 4, सो दैट इज 40,000, प्लस वी विल कंटिन्यू हियर, 3 इज इन 1000, सो 3000, प्लस 200, प्लस 10, प्लस 5, यूनिट्स तो अकेला ही रहता है, उसके साथ 0 नहीं आता, बराबर, क्योंकि यूनिट्स की वैल्यू द नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट वन, 7 की प्लेस वैल्यू, 70 इज इन 10,000 पोजीशन, सो उसकी वैल्यू है 70,000, प्लस ये इधर 0 ही है तो इधर 0 लिख सकते हो, नहीं तो ओमिट कर सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसे आपके स्कूल में बोलेंगे वैसा जरूर करना। कभी कभी बोलते हैं कि 0 मेंशन करो, कभी कभी बोलते हैं कि 0 नहीं लिखेंगे तो चलेगा, इट इज ओके, बोथ आर करेक्ट। प्लस 800, प्लस 10, प्लस 5, कितना इजी, क्योंकि 5 की प्लेस वैल्यू 50 लैक्स थी
सिक्स की 6 लाख थी, फोर की 40,000 थी, थ्री की 3,000, टू की 200, वन की 10 और फाइव की 5। हम लोगों ने क्या किया, सब के प्लेस वैल्यूज को ऐड किया और जो मिला दैट इज कॉल्ड एज एक्सपांडेड फॉर्म। करेक्ट, ये इधर करते हैं, 8 लाख पोजीशन पे है तो इट इज 8 लाख प्लस 30,000, थ्री इज इन 10,000 पोजीशन, सो इट इज 30,000 प्लस 5,000 प्लस 900 प्लस 90 और ये प्लस 9। आगे बढ़ते हैं, 8 इज इन लैक्स पोजीशन सो इट इज 8 लाख प्लस ये 10,000 पोजीशन पे सो 80,000। सब 8 है लेकिन सबकी वैल्यू अलग अलग है, 8,000 पोजीशन पे है सो इट इज 8,000। 800 ये सिर्फ 80 है और ये 9। आगे वाला, 9 इज इन 10 लाख पोजीशन सो इट इज 90 लाख प्लस ये 2 इज इन लाख पोजीशन सो 2 लाख। मैं जैसे बताया वैसे भी कर सकते हो, 2 के बाद कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5, सो 2 के बाद 5 जीरोस, 3 के बाद कितने है, 1 2 3 4, सो 4 जीरोस, 30,000 प्लस 2,000 प्लस 900 प्लस 90 और ये प्लस 2 हो गया, हमारा क्वेश्चन 2 भी हो गया। करेक्ट, इतना इजी है, फोर्थ स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं हम लोग, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट्स रीड थर्ड सम, राइट द प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स। मैंने तो नंबर्स लिखे हैं और उसके एक एक डिजिट भी नीचे लिखे हैं, सो अभी स्टार्ट करते हैं। 3 किधर है, ये यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, सो उसकी पोजीशन है और प्लेस है 10,000 और उसकी वैल्यू 30,000 बराबर। ये 5 है, 1000 पोजीशन, ओनली 1000 नॉट 10,000, 5, सो इधर लिखेंगे 1000 और उसकी वैल्यू है 5000 बराबर। ओके, आगे बढ़ते हैं, 7 इज इन 100th पोजीशन तो उसकी वैल्यू 700 बराबर। थाउजेंड्स लिखते हैं, 0 इज इन 10th प्लेस, 0 की वैल्यू हमेशा 0 ही रहती है। 5 इज इन यूनिट्स, उसकी वैल्यू 5 ही रहेगी क्योंकि यूनिट्स की वैल्यू द डिजिट इटसेल्फ, राइट। चलो नेक्स्ट वन करते हैं, अभी ये 7 ये पहले लिख के लेते हैं, 1000, 10,000 और लैक्स, इमीडिएटली मालूम पड़ता है कि 7 लैक्स में, क्योंकि अगर एक प्लेस की गड़बड़ हो गई तो पूरा आंसर रॉन्ग हो सकता है, सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। 7 लैक्स पोजीशन पे है सो उसकी वैल्यू है 7 लाख। 8 इज इन 10,000 पोजीशन, 10,000 सो उसकी वैल्यू है 80,000। 2 इज इन 1000 पोजीशन सो उसकी वैल्यू ओनली 2000। 8 इज इन 100 पोजीशन सो उसकी वैल्यू है 800। 9 इज इन 10th पोजीशन और प्लेस सो उसकी वैल्यू है 90 और 9 इज इन दिस 9 इज इन यूनिट्स प्लेस लास्ट वाला सो उसकी वैल्यू सिर्फ 9। अगर हम लोग ये सब ऐड करेंगे तो हमें ये नंबर मिलेगा,
क्योंकि जब हम लोग ये सब ऐड करते हैं तो हमें एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर मिलता है. ओके चल, 8 इज इन 10 लैक्स पोजीशन, सो उसकी वैल्यू है 80 लैक्स. 2 इज इन जस्ट लैक्स पोजीशन, सो इट इज जस्ट 2 लैक्स, नॉट 20 लैक्स. 7 इज इन 10,000 पोजीशन, सो उसकी वैल्यू है 70,000. 4 इज इन जस्ट 1,000 पोजीशन, सो उसकी वैल्यू है 4,000. 5 इज इन 100 पोजीशन, सो इट इज 500. 0 इज इन 10th पोजीशन, बट जस्ट बिकॉज इट इज 0 उसकी वैल्यू 0 ही रहती है किधर भी हो. 8 इज इन यूनिट्स प्लेस, सो उसकी वैल्यू है 8. बच्चे लोग कौन सा भी नंबर लेके ऐसी प्रैक्टिस करो, एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तो इट इज वेरी वेरी इजी. ओके बच्चे लोग, फोर्थ वन हम लोग स्टार्ट करेंगे. स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन 4 दे हैव गिवन यू एक्सपांडेड फॉर्म, और हमें नंबर, एक्चुअल नंबर क्या है, किसका है ये एक्सपांडेड फॉर्म, वो हमें फाइंड आउट करना है. मैं आपको एक इजी मेथड बताती हूँ. ये पहला, इसमें ये सबसे बड़ा नंबर है, उसके बाद ज्यादा जीरोज है, है ना. तो कैसे लिखना है, 6 और उसके बाद कितने जीरोज है, 1 2 3 4. 1 2 3 4, तो जीरो मत लिखो, ऐसा ही डैश डैश लिखो. बाद में 4 और 3 जीरोस, सो तीन जगह छोड़ के इधर 4 लिखो. 2 जीरोस यहां, 600, सो दो जगह छोड़ के यूनिट्स प्लेस से 6 लिखो, दो जगह छोड़ के इधर 6. 70 के पास एक जीरो है, तो एक जगह छोड़ो और इधर 7 लिखो, और ये 9 यूनिट्स प्लेस. सो हो गया अपना नंबर रेडी. सी यू कैन गो बाय प्लेस वैल्यूज आल्सो. ये 60,000 है, सो 10,000 प्लेस पे 6 आएगा. ये 4,000 है, सो जस्ट 1,000 प्लेस पे 4 आएगा. 600 है, तो 100 के प्लेस में 6 आएगा. 70, सो 7 10, सो 10 प्लेस पे 7 और ये 9 यूनिट्स, क्योंकि हमें मालूम है हर जगह को क्या बोलते हैं, राइट. सो 10,000 में 6, 1,000 में 4, 100 में 6, 10s में 7 और यूनिट्स में 9. ऐसे भी कर सकते हो, और ये जो मैंने मेथड बताई वो एकदम इजी वाली है. सबसे ज्यादा जीरो कौन सा है, ये ऑब्वियसली क्योंकि ये हाईएस्ट वैल्यू वाली वैल्यू वाला नंबर है. सो 9 और उसके बाद 5 जीरोस, सो 9 और ये 5 जगह. अभी ये 2 और 4 जीरोस, 2 और ये 4 जीरोस. 7,000, 7 और ये 3 जीरोस. 800, 8 और ये 2 जीरोस. और 10s की प्लेस पे कुछ डिजिट है ही नहीं, डायरेक्टली 5 मतलब यूनिट्स प्लेस. सो इधर हियर यू कैन फिल अप विद 0. सो अपना नंबर हो गया था यार 9,27,805. बाद में ये मैं रब कर रही हूं सो दैट आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा. ओके ये 2 और 6 जीरोस, 2 और 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6. ये 3 और 5 जीरोस, सो 5 जगह छोड़ो इधर से, 1 2 3 4 5 और इधर 3 आएगा. ये 4 जीरोस और 6, तो 1 2 3 4 और इधर 6 आएगा. ये 3 जीरोस एंड 9, सो 0 0 0 और ये 9 इधर आएगा. 500, सो 0 0 एंड हियर 5. 1 10s और ये 7. हो गया अपना नंबर तैयार. तो ये इधर कॉमा देना जरूरी है. 23,69,517, this is the number. 2 10 lakhs position पे है, 3 lakhs position पे है, 6 10,000 position पे है, 9,000 position पे है, 500 position पे है, और ये 1 10s में है, और ये units है 7. चलो ये करते हैं.
स्टूडेंट्स जो प्लेस वैल्यू को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, दे कैन डू इट बाय प्लेस वैल्यू, और जिनको थोड़ा डर लग रहा है वो ऐसे कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा जीरोस किसके पास है, ये सेवन के पास। कितने हैं जीरोस? फाइव। सो सेवन लिखो और फाइव, बाद में एट और फोर जीरोस, सो एट और वन टू थ्री फोर, फोर थाउजेंड, फोर और तीन जीरोस, फाइव और टू जीरोस, उसके बाद कुछ है नहीं तो जीरो जीरोस लिख दो। सो अपना ऑप्शन क्या बोलते हैं, नंबर तैयार हो गया, बराबर। ये करो, एट एंड सिक्स जीरोस, एट एंड सिक्स जीरोस, फाइव एंड फोर जीरोस, फोर जीरोस, वन टू थ्री फोर, और इधर फाइव आएगा, 1000, 1 एंड 1000, थ्री जीरोस, और इधर वन आएगा, 600, दो जीरो, और नाइन, टेंस के पोजीशन में कुछ नहीं है, सी, तो हमें इधर जीरो और इधर एक जीरो ऐड करना पड़ेगा, तो अपना नंबर हो गया तैयार, 80,51,609, ये 8 है, वो 10 लाख पोजीशन पे है, सो उसकी वैल्यू इसके लिए 80 लाख है, ये 10,000 पोजीशन पे है, सो इसके लिए उसकी वैल्यू 50,000 है, ये 1,000 पोजीशन पे है, सो उसकी वैल्यू 1,000 है, ये 600, 100 पोजीशन वाला डिजिट, और ये 9 मतलब अकेला 9 है, मतलब यूनिट्स प्लेस, इतना इजी है कि नहीं? ओके बच्चे लोग, हम लोगों का प्रॉब्लम सेट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, उसके पहले वाले सब वीडियोस प्रॉब्लम सेट के जो 5 के पहले वाले हैं वो सब मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, तो वो जरूर देखें, और हाउ टू रीड एंड राइट नंबर्स उसका भी मेरा, और फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू का भी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, अगर वो देखोगे तो जल्दी से समझ पाओगे। ओके अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक करना ना भूलें, अगर आप लाइक करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है कि नहीं? ओके, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो क्या करना है? यस, तुरंत सब्सक्राइब करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई विल डेफिनेटली कम विद द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून, टिल देन स्टडी वेल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंजॉय स्टडी, बाय।